शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर 5 मैचों की टी सीरीज खेलने के लिए पहुंची है। इस सीरीज के तीसरे मैच में कप्तान गिल ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के साथ प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव भी किए। इसमें दो अहम खिलाड़ियों की लंबे समय के बाद टीम में वापसी देखने को मिली। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का हिस्सा रहने के बावजूद यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं अब दोनों को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की बात करें तो दोनों ही खिलाड़ियों ने इस मुकाबले से पहले अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच जनवरी महीने में खेला था। इसके बाद अब इन दोनों को टी20 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वापसी देखने को मिल सकती है। संजू को लेकर बात की जाए तो उनका आईपीएल 2024 में बल्ले से काफी शानदार फॉर्म देखने को मिला था, जिसके दम पर वह टी20 वर्ल्ड के लिए टीम इंडिया में अपनी जगह को बनाने में कामयाब हुए थे। वहीं जायसवाल भी आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे थे। हालांकि वर्ल्ड कप में रोहित के साथ कोहली के ओपनिंग करने से ज्यादा जायसवाल को जहां जगह नहीं मिली थी, तो वहीं पंत ने मुख्य विकेटकीपर के रूप में खेला था, जिससे सैमसन भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के अलावा शिवम दुबे भी जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा है। इस मैच में खलील अहम भी टीम का हिस्सा है, जिनको सीरीज के पहले मुकाबले में खेलने का मौका मिला था, लेकिन दूसरे मैच में वह प्लेइंग 11 के बाहर।